नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल महानगर की सफाई व्यवस्था का प्रातःकाल साइकिल से जायजा ले रहे हैं, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए साइकिल से सभी मार्गों का वर्ग गलियों का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि महानगर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, जिसको देखते हुए साइकिल से सफाई व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में नालों की सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर चल रही है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसको देखने के लिए प्रातःकालीन सभी अधिकारी फील्ड में निकल रहे हैं। इसके अलावा रात्रिकालीन भी जहां पर सफाई की जा रही है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि ग्राउंड पर क्या कार्य हो रहा है यह पता चल सके और वहां के नागरिकों से नगर निगम के कर्मचारियों के कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में जो साफ सफाई की हमारी व्यवस्था है, साथ ही जो नालों की सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर चल रही है, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, इन सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए प्रातःकालीन हमारे सभी अधिकारी फील्ड में निकल रहे हैं। सुबह 6 बजे से अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त से लेकर जोनल अधिकारी सभी फील्ड में हैं, और न केवल सुबह बल्कि रात्रिकालीन भी जहाँ जहाँ हमने सफाई व्यवस्था स्टार्ट की है वहाँ पर भी हमारे रात्रिकालीन में जोनल अधिकारी और हमारे सभी अधिकारी निकल रहे हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी प्रत्येक दिन सुबह 2 घंटे इसी का निरीक्षण किया जाता है, खासतौर पर सफाई व्यवस्था का, ताकि ग्राउंड रियलिटी हमें पता चले और वहाँ के जो नागरिक हैं, नागरिकों से भी हमें नगर निगम के कार्यों को लेकर फीडबैक मिलता रहे। तो इसी क्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के सफाईकर्मी, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर्स और वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन सब के साथ फीडबैक ले रहे हैं, और नगर निगम की व्यवस्था को कैसे और अच्छा किया जा सके, साफ सफाई व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सके, इसको लेकर भी निरंतर हमारे द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, चूंकि सबसे बड़ी समस्या रहती है, हम गाड़ी से निकलते हैं तो बहुत सारी हमारी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर गाड़ी का पहुँच पाना संभव नहीं होता है, लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है, तो इसीलिए या तो हम पैदल निकल जाते हैं या फिर साइकिल से निकल जाते हैं ताकि लास्ट माइल तक हम पहुँच पाएँ, और जो लास्ट घरों तक क्या स्थिति है नालों की, क्या स्थिति नालियों की, क्या स्थिति सफाई की, और वहाँ के लोगों का फीडबैक हमें मिलता रहे। ना केवल हम बल्कि हमारी पूरी नगर निगम की टीम, हमारे सारे अधिकारी सुबह निकल रहे हैं और इससे फीडबैक हमें, एक्चुअल फीडबैक मिल रहा है और इसको और अच्छा कैसे कर पाएं इसका फीडबैक मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों में, नगर निगम को लेके एक कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी आ रही है, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। और एक और जहाँ पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे कर्मचारियों में कोई अगर एब्सेंटिज्म है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जो बार बार नहीं आता है, ऐसे कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।